हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी और चटपटी आलू चाट की रेसिपी। जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे तो बहुत ही जल्दी बनने वाले आलू चाट की इस रेसिपी को आप घर पर बना सकते हैं। धनिया पुदीने की तीखी चटनी से इस चाट का जायका बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए आलू की चटपटी चाट बनाना शुरू करते हैं। आलू की चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 उबले हुए आलू लिए हैं। इनको मैंने 80% बॉयल किया है। एक सीटी आने तक ही हमें इनको बॉयल करना है, यानी कि पूरी तरह से इनको बॉयल नहीं किया है। अब इनको हम बड़े बड़े पीसेस में काटेंगे। आलू की ये मसालेदार चाट मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। इस तरीके से ये फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। अब हम इन कटे हुए आलू को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर करेंगे और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आलू की ये चाट एकदम क्रिस्पी बने इसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इस तरीके से कॉर्नफ्लोर और मसालों की कोटिंग करके आलू बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। टॉस करते हुए हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले और कॉर्नफ्लोर आलुओं में अच्छी तरह से कोट हो जाए। आलू में मसाले और कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से कोट हो चुका है, अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से इनको फ्राई कर लेते हैं। इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब हम इनको फ्राई होने के लिए डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इनको अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आलू हम एक साथ नहीं डालेंगे, जितने पैन में आ सके उतने ही डालेंगे। बाकी बचे हुए आलू हम बाद में फ्राई करेंगे। फोर्क की सहायता से हम इनको धीरे धीरे से पलट लेंगे। इस तरह से उलट पलट कर हम इनको अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आलू का कलर आप सामने देख सकते हैं। आलू का कलर जितना प्यारा लग रहा है खाने में उतने ही ज़्यादा लाजवाब लगते हैं। करीब से आप देख सकते हैं कितने ये क्रिस्पी बने हैं। इसी तरीके से हम सारे आलू फ्राई कर लेंगे। सारे आलू मैंने फ्राई कर लिए हैं, अब हम इनको एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अंदर हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम मसालों की कोटिंग इसमें कर चुके हैं। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच इसमें डालेंगे चाट मसाला और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच इसमें डालेंगे धनिया पुदीने की तीखी चटनी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी भी डाल सकते हैं। जितना आपको तीखा खाना पसंद है उसी हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए चटपटी मसालेदार आलू की ये चाट हमारी बनके रेडी है। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।